बात कर रहे हैं तो जनाब आगे से बुरा मान रहे हैं, आईना दिखाते हैं तो बुरा मान जाते हैं। जनाब बैठे हुए हैं, ड्यूटी सख्त है, हम खड़े होकर ड्यूटी कर रहे हैं। आप तो गप्पे लगा नहीं, इधर हम ललटों का नौकरी करते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। जाने दे यार, क्या हो गया आपको? अगर आप चेक कर रहे होते तो मैं आपको अप्रिशिएट कर रहा हूं। नहीं नहीं, मुझे हर चेहरे का पता है, ये लोग रहशी हैं, ये लोग ज़ायरीन आ रहे हैं। नहीं, बैठ के भी खड़े होकर भी चेकिंग करते हैं। बैठे हुए थे। जब बंदा एक थक जाता है फिर 10 मिनट बैठ भी जाता है, कोई मसला नहीं है। इधर मैं अकेला ही हूँ, आगे गश्ती वाले बंदे हैं, वो भी कर रहे हैं, उनको उनसे भी थोड़ा सा कर रहे हैं। यार छोड़ दो, क्या कर निकालना है? अगर यहाँ पे खड़े हैं तो ड्यूटी ईमानदारी से। ठीक है बेटा, ड्यूटी किधर है? इधर ही बाहर बैरियर पे। आप चले जाएं, शकील साहब के पास चले जाएं। आप तो जवाब दे दीजिए। मैं इधर ही ड्यूटी मेरी। हाँ भाई सर, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है सर। लेकिन आप बैठे हुए थे, आपने हमें देखा उठ गया अलर्ट? नहीं सर, मैं अलर्ट था। ये बेटा बात सुन, ये आप माइक छोड़, ये देखें जी ये माइक पकड़ रहे हैं, कह रहे हैं धक्के मार के बाहर निकालें। दिन मैं हूं अक्सर आपका मेज़बान नईम भट्टी और आप देख रहे हैं देखो टीवी। नाज़रीन इस वक्त मैं मौजूद हूं दरबार के बिल्कुल बाहर और आज मैं आपको दिखाऊंगा दरबार की सिक्योरिटी के, दरबार के दाखिली और ख़ारजी रास्तों पर सिक्योरिटी की क्या सूरत हाल है। क्योंकि CCPO लाहौर और IG पंजाब की तरफ से बड़े बड़े दावे किए जाते हैं सिक्योरिटी के नाम पर, जी की दरबारों की जो दाखिली और ख़ारजी सिक्योरिटी है वो बड़ी अलर्ट है और बड़ी सख्त की जा रही है। तो आज हम आपको दिखाएंगे कि दरबार पर इस वक्त सिक्योरिटी जो है वो क्या की जा रही है। जी बिल्कुल जी, नाज़रीन दरबार के बाहर आ गए हैं और दरबार की सिक्योरिटी दिखा रहे हैं। जनाब बैठे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। हाल है जनाब? कैसे हैं? शुक्र अल्लाह पाक। सेहत वगैरह कैसी है आप? बस ठीक है सर, अल्लाह का शुक्र है। सिक्योरिटी की क्या सूरत है? सिक्योरिटी की हालात है ठीक है माशाल्लाह, ड्यूटी सख्त है इधर। सख्त है? हाँ ड्यूटी सख्त है, हम खड़े होकर ड्यूटी कर रहे हैं। आप तो गप्पे लगा रहे हैं। नहीं वो गप्पे कब लगा रहे हैं, वो बैठे हुए थे, वो तो चाय पिए उन्होंने बैठे हुए थे। वैसे तो खड़े होते हैं वहाँ पे कौन? वहाँ मैं कांस्टेबल हूँ, मैं इधर खड़ा होता हूँ। तो इधर थे ना? कोई गल नहीं, मेरी बात सुनो। की नाम है? मोहम्मद सादिक। अच्छा अच्छा, मोहम्मद सादिक। सादिक साहब सेहत वगैरह ठीक है? सिक्योरिटी दी की सूरत है? सिक्योरिटी ठीक है, अल्लाह का करम है, शुक्र अल्लाह का अदा। यहाँ पे आप बैठ के ड्यूटी कर रहे हैं? नहीं बैठ के तो नहीं, चेकिंग बैठे हुए होती है। यहाँ बैठे हुए? नहीं चेकिंग वहाँ गेट। इधर क्या चेकिंग? उधर वो कोई जाएगा तो उसको चेक करेंगे। हाँ तो ये बैरियर पे? बैरियर पे भी जो मशकूक आदमी बैग कैसे चेक? आप तो गप्पे लगा रहे? नहीं गप्पे तो नहीं लगा, ऐसी सिक्योरिटी तो नहीं होती ना। सरकार ने बैठाया हुआ अलर्ट, अलर्ट रह के यहाँ पे हम सिक्योरिटी कर रहे हैं। हाँ जी। आप तो बैठे हुए? इधर भाई जी ड्यूटी अंदर जब जाते हैं उनको चेक करते हैं। यानी कि वहाँ वो तो ये थे ना, कौन जाएगा अंदर? अंदर कौन जाएगा? लेकिन ये तो कंस्ट्रक्शन हो रही है, ये बंद हुआ हुआ है, गेट बंद। अच्छा, है बंद हुआ है। आप हमारे बुजुर्ग हैं और आप हमारे मुहाफिज हैं, बैरियर पे कौन है? हम ड्यूटी अलर्ट होकर कर रहे हैं। मैं इधर कैसे? मैं साहब कैसे? तो इधर है ना, खड़े हैं ना भाई आप? तो वो है, आप इधर खड़े हैं, कोई गल नहीं, हम चाय पीने इधर आए हैं। क्या हुआ है? चाय पी रहे थे बैठ के। अब माजी में भी बड़े यहाँ पे हादसे हो चुके हैं। नहीं हम इधर हम अलर्ट होकर नौकरी करते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। अभी आप तो उधर बैठे हुए थे? मेरा भाई उधर चाय पी थी, इधर आ गए हैं बस। इधर तो जाने दे यार, क्या हो गया आपको? मुझे बताया ना, ये देखे ना, जो सरकार ने हमें ड्यूटी का टाइम दिया हुआ 8 घंटे, हमें चाहिए कि उसको ईमानदारी से नौकरी कर रहे हैं हम। अच्छे देखें, अच्छे तरीके से कर रहे हैं यार, बैठे तो बैठे हो। मुझे दर्द हो रहा है, मैं बैठा हूँ, दवाई खाई है मैंने, कोई ऐसी बात। मेडिसिन ले लेनी थी? मेडिसिन ली है ना, चेक करा कर। छुट्टी कर लेनी थी ना आपने, आपको दर्द हो रहा था, आपने लिख के दरख्वास्त दे देनी थी। चलो आज मुझे राइट हो गया, राइट हो गया, ठीक हो गया, ठीक हो गया। आप तो बैठे हो? अब आप हमारा साथ बहस ना करें। आज पंजाब साहब देख लें, CCPO लाहौर साहब देख लें, ये वलायत साहब हैं और हमारे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन इनको यहाँ पे खड़ा किया गया ड्यूटी के लिए। अब जो ड्यूटी वलायत साहब कर रहे थे वो आप देख सकते हैं कि विंडो पे चल रहा है और किस तरीके से वलायत साहब यहाँ पे ड्यूटी को फ्राई सर अंजाम दे रहे थे। हालांकि माजी के अंदर भी बड़े हादसे यहाँ पे रूनुमा हो चुके हैं। अब ड्यूटी तो यहाँ पे है लेकिन वलायत साहब वहाँ पे बैठे हुए तो कह रहे थे कि मुझे दर्द है, मैं चाय पी रहा था वहाँ बैठ के। अब ये भी जनाब वहाँ बैठे हुए थे कुर्सी पे, तो अंदर ही खड़े हैं ना ड्यूटी पे? वहाँ पे खड़े थे ना, बैठे हुए तो अंदर जाने के जो जाता है उसको चेक कर। कौन जाएगा? वो तो वहाँ पे खड़े हैं, कौन जाएगा? हाँ तो फिर इधर जो जाएगा उसको चेक करें। चले काम उधर हो रहा था, इधर क्या हो रहा है? भाई साहब जे इधर जाते हैं उनको कौन? आपने तो बैग शैग कैसे चेक करते हैं? बैठ के जो आप दे दिया बस ठीक। कैसे ड्यूटी ऐसे तो नहीं करना, ड्यूटी ईमानदारी से करनी चाहिए। ईमानदारी से कर रही है, मुझे आप बताइए ईमानदारी से। आप खुद ही बता देंगे ईमानदारी से? हाँ जी आप बता दें मुझे ईमानदारी से। जी जी असी तो ढे आसरे से बैठे हैं कि साढ़े मुहाफिज सर जी, तुम वार्डन वाले नहीं हो सर? इन लोगों को चेक करते हैं, ये कहते हैं हमें चेक, ये आम रास्ता है।
अगर आप चेक कर रहे होते तो मैं आपको अप्रिशिएट करता हूं। दाता दास दरबार के अंदर लोग जो जाते हैं उनको चेक करते हैं, ड्यूटी हमारी चेकिंग की ड्यूटी है। आप बता दें क्या चेकिंग कर रहे हैं? यही सवाल, लोगों को जो मोटरसाइकिल पे जाता है उनको चेक करते हैं। क्या चेक? अंदर जो जाता है उनको चेक करते हैं। आपने तो नहीं किया, आप तो बैठे हो। अंदर जाएगा तो फिर चेक करेंगे। वो तो कैप्चर हो गया और वो चल रहा है, विंडो पे चल रहा है। आप तो बैठे हो, गप्पे लगा रहे थे आप। अंदर जाएगा तो चेक करेंगे ना। हम माजी के अंदर यहाँ पे कितने हादसे हो चुके हैं सर, जवाब दे देना। माजी के अंदर बड़े हालात हो गए। बस हाँ जी, क्या बस मुझे प्रॉपर जवाब दे दें। मैं जवाब के लिए आया हूँ आपसे। मैं बता रहा हूँ, मैं आया हूँ तो आप यहाँ पे लड़ खड़े हो गए मेरे आने पे। मेरा भाई पहले भी हम इधर खड़े होते हैं, कैसे खड़े करते हैं नौकरी? बहस नहीं करते यार, मेहरबानी आपसे क्वेश्चन मेहरबानी, जवाब आपसे चाहिए। ड्यूटी लड़ लें जी। ये सूरत हाल है जी नाजिन के, वलायत साहब हैं और दिखाएं जी ये, और ये दाता दरबार की सिक्योरिटी आपको दिखा रहे हैं कि ये हमारे जवान जो हैं वो किस तरीके से यहाँ पर सिक्योरिटी को जो फ़राइज़ हैं उसको सर अंजाम दे रहे हैं। हमारे लिए काबिल एहतराम है क्योंकि ये हमारे मुहाफिज़ हैं। लेकिन CCO साहब, आप तो कहते हैं जी सिक्योरिटी के बड़े सख्त इंतज़ाम हैं लाहौर के दाखिली और खारजी रास्तों पर, और उसके अलावा दरबारों पर बड़ी सख्त सिक्योरिटी है। अब जो सख्त सिक्योरिटी है और जिस तरीके से चेकिंग की जा रही है वो आप देख लें, और विंडो पे वो चल भी रहा है। अभी दूसरी साइड पे चलते हैं, वो आपको दिखाते हैं, मेरे साथ रहिएगा। जी बिल्कुल जी नाजिन, दूसरे गेट पे हम इस वक्त आ चुके हैं और शरीफ साहब हैं, ASI हैं और बात करते हैं। और देखिए हम उस गेट पे थे, वहाँ पे जो सिक्योरिटी की सूरत हाल थी वो हमने आपको दिखाई है, लेकिन बता दिया गया कि जी मीडिया वाले आ गए, सिक्योरिटी टाइट करते हैं। और जैसे ही हम आए हैं और सिक्योरिटी टाइट हो गई, और यही हम चाहते हैं कि आवाम को तहफ़ फ्राहम किया जाए, और हम अप्रिशिएट करेंगे शरीफ साहब को। और शरीफ साहब यहाँ पर ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं, और देखें किस तरीके से जामे तलाशी ली जा रही है हर आने और जाने वाले की, यही चीज़ होनी चाहिए। और मैं अप्रिशिएट करूँगा इस पर शरीफ साहब को, बात करेंगे अब शरीफ साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मुझे बड़ी खुशी हुई आपको देख के। आप बतौर इंचार्ज, थैंक यू जी, यहाँ पर बड़े अच्छे तरीके से अपनी ड्यूटी को फ्राई सर अंजाम दे रहे हैं, लेकिन उस गेट पे इंचार्ज कौन है? हमें नहीं पता, वो उस वहाँ पे पता होगा। वहाँ पे तो बैठे हुए थे जी, हमें नहीं मिला, क्योंकि हम ड्यूटियाँ हम तो नहीं लगाते ना, ये मॉडल को पता होगा जो ड्यूटियाँ लगाते हैं कौन इंचार्ज है उधर। आओ सर आओ, लेकिन आप तो बड़े अलर्ट हो गए हैं, काफ़ी अलर्ट हो गए हैं, ऐसे ही अलर्ट हो गए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह ऐसे ही करते हैं, लेकिन आपको ये नहीं मालूम कि यहाँ पर रहायशी लोग भी अंदर रहते हैं जो रहायशी। शरीफ साहब वो कैसे पता चल रहा है अंदर ये रिहायशी है और ये कोई ज़ायरीन है? मैं ड्यूटी कर रहा हूँ, मुझे हर चेहरे का पता है जी, ये लोग रहायशी हैं, ये लोग ज़ायरीन आ रहे हैं, हम ज़ायरीन को चेक कर रहे हैं, रहायशी लोग चेक नहीं होते। अच्छा जी, चलें सिक्योरिटी के इंतजाम इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे इंतजाम इंशाल्लाह। तो बड़े कहते हैं जी दावे जी बहुत अच्छे हैं, आपके सामने ही है जो कुछ भी है जी इंशाल्लाह। चलें जी ये देखें जी, यही मकसद होता है हमारा, और नाजिन के सिक्योरिटी को टाइट किया जाए। आप देखें उस गेट पे भी सूरत हाल आपको दिखाई है, और यहाँ पे ये चाचा जी हैं और अलर्ट खड़े हैं, और ऐसे ही अलर्ट होना चाहिए। हमारा मकसद इस तरह यही है ताकि ये हमारे मुहाफिज़ हैं और हमारी जान और माल का जो है ना वो उनके ज़िम्मे है, क्योंकि ये हमारे मुहाफिज़ हैं, हमारे टैक्स से इनको सैलरी मिलती है। अभी दूसरे गेट पे भी चलते हैं, वो भी आपको दिखाते हैं, लेकिन इस गेट की जो सूरत हाल है वो आप देख लें कि बड़े अच्छे तरीके से शरीफ साहब हैं यहाँ पर इंचार्ज हैं बतौरे, और वो यहाँ पे ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। नाज़रीन ये है जी दाखिली रास्ता है, और यहाँ से लोग दरबार के अंदर जाते हैं। शहजाद साहब हैं, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शहजाद साहब, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, सेहत वगैरह कैसी? शुक्र हो जाए, अलर्ट हो जाए, सिक्योरिटी की सूरत हाल कैसी? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सही है, अच्छी है जी। कैसे चेकिंग कर रहे हैं जी? बैठ के? नहीं बैठ के भी, खड़े होकर भी चेकिंग करते हैं। बैठे हुए थे। जब बंदा एक थक जाता है फिर 10 मिनट बैठ भी जाता है, कोई मसला नहीं है। ड्यूटी कितने बजे स्टार्ट हुई? ड्यूटी 7 बजे। हाँ जी 7 बजे। 3 घंटे में थक गया? बस हो जाता है ना। अच्छा, मेरा ही सारा इंटरव्यू लेना कि किसी और का भी थोड़ा सा ले लो? ड्यूटी आपकी है तो जाहिर बात है सरकार ने आपको बिठाया, तो आपसे सवाल करूँगा, अगर आपके अलावा कोई है तो मुझे बता दें। बाकी कितना है यहाँ पे कोई बंदा? आप अकेले ही हैं? इधर मैं अकेला ही हूँ, आगे गश्ती वाले बंदे हैं। हाँ। वो भी कर रहे हैं, उनको उनसे भी थोड़ा सा कर रहे हैं। लेकिन ये अंदर जो बंदा जा रहा है आपको क्या पता है? लड़का हमारा अंदर बैग लेके गया है, वो आपने चेक ही नहीं किया? कौन सा लड़का गया यार? छोड़ दो, क्या करना निकालना है? छोड़ दें, मैं बात कर रहा हूँ, मुझे उसका प्रॉपर जवाब दे दें। मैं आपको जवाब, आप हमारे लिए काबिल एहतराम हैं, आप हमारे मुहाफिज़ हैं, सरकार ने किस लिए बिठाया? ड्यूटी कर रहे हैं ना हम। क्या कर रहे हैं?
जब अल्लाह माफ़ करे, जब जब ऐसे हमारे काम होंगे, जब ऐसी सिक्योरिटी होगी, तो फिर तो दुश्मन को बड़ा आसान टारगेट मिलेगा। भाई इंशाल्लाह तआला कुछ नहीं होता, आप क्यों परेशान हो गए हैं? आप हमारे मुहाफिज हैं, आप हमारे लिए काबिल एहतराम हैं, आपकी जान हमें बड़ी अजीज है, क्योंकि आप हमारे लिए यहाँ पे खड़े हैं। लेकिन अगर यहाँ पे खड़े हैं तो ड्यूटी ईमानदारी से करें। ठीक है बेटा जी। अच्छा बेटा ठीक है। सिक्योरिटी इंचार्ज का नाम क्या? सिक्योरिटी इंचार्ज का नाम उधर से पूछ लें। नाम बताइए। सिक्योरिटी वाले लगाते हैं ड्यूटी। आप बता दें क्या नाम? ये देखें जी, शहजाद साहब जा रहे हैं जी। अब ये शहजाद साहब जा रहे हैं, अभी जो सिक्योरिटी के इंचार्ज हैं उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो दर साहब? अल्लाह का शुक्र। ड्यूटी किधर है? इधर ही बाहर बैरियर पे। आप अंदर थे? आप चले जाएं, शकील साहब के पास चले जाएं। आप तो जवाब दे दें। मैं इधर ही ड्यूटी मेरी भाई। आपका नाम? सर यासिन मेरा नाम है। साहब सेहत वगैरह ठीक है आपकी? अच्छा, सिक्योरिटी की सूरत हाल? सर अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है सर। लेकिन आप बैठे हुए थे, आपने हमें देखा उठ के? अलर्ट नहीं सर, मैं अलर्ट था। ये काइंडली जरा ईमानदारी से। ठीक है सर, मैं आप हमारे लिए काबिल एहतराम है, हमारे मुहाफिज हैं आप, बहुत शुक्रिया आपका। मेरी गुजारिश सुन लें आप, मेरी गुजारिश, ये तरीकेकार नहीं है सर, ये तरीकेकार नहीं है सर। आपकी सिक्योरिटी की सूरत हाल आपको दिखा रहा हूँ, बंदे जवान आपके बैठे हुए हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो आप कह रहे हैं धक्के मार के बाहर निकाल दें। आप कह रहे हैं धक्के मार, आपने कैमरामैन को बाहर निकाल दिया। ये देखें जी ये माइक पकड़ रहे हैं आप, ये देख लें जी, ये इंचार्ज हैं जी, और उनका शाही रवैया आप देख लें कि वो किस तरीके से बात कर रहे हैं हमसे, बात करना मुनासिब नहीं समझ रहे। आप हमारे मुहाफिज हैं, आप बाहर आ गए, मैंने आपको सिक्योरिटी की बात करनी है, इसके अलावा तो मेरी आपसे बात ही नहीं है। ये देखें जी, कह रहे हैं धक्के मार के बाहर निकालें। माजी के अंदर यहाँ पर इतने सारे वाक्य रूनुमा हो चुके हैं, अब बात कर रहे हैं तो जनाब आगे से बुरा मान रहे हैं, आईना दिखाते हैं तो बुरा मान जाते हैं, अब धक्के मारे गए हैं मेरे कैमरामैन को, बाहर निकाला गया, तो ये लम्हा फिक्री है। CCOP साहब आपसे मुतालबा कर रहा हूँ, IG पंजाब आपसे मुतालबा कर रहा हूँ कि खुदारा इस चीज़ का नोटिस लें, और कम अज़ कम अगर आप यहाँ पर आ नहीं सकते तो चेक इन बैलेंस रखें। ये देखें जा रहे हैं अब इस बैग में, इसमें क्या है, इसमें क्या है, कोई चेकिंग नहीं कर। आप देखें जी, हमने कहा तो चेकिंग। ये देख लें जी, ये सूरत हाल है। और नाजिन ये वीडियोज़ आपको दिखाना बड़ा ज़रूरी था, और देखें जी किस तरीके से सिक्योरिटी के फ़राइज़ यहाँ पर सर अंजाम दिए जा रहे हैं। और फिर मुतालबा कर रहा हूँ IG पंजाब साहब से, CCP लाहौर साहब से, क्या ड्यूटी कर रहे हैं आप, जिस तरीके से ड्यूटी कर रहे हैं वो आपने देखा है, पिछले गेट पर भी आपको दिखाएं, ये दाखिली रास्ता है, दरबार का दाखिली रास्ता है, लोगों की एंट्रेंस होती है यहाँ से, लेकिन चेक इन बैलेंस नहीं है। तो ये वीडियोज़ आपको दिखाना बड़ा ज़रूरी था नाज़रीन। अपने मेज़बान नईम भट्टी को दीजिए इजाज़त, और देखते रहिए देखो TV।